सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2019 और 2020 के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो एग्ज़ाम अभी हुआ है और क्वेश्चन 1 से 10 तक के सभी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। मैथ्स का जो पेपर है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इस पेपर में कुछ कमियाँ थी उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम सभी क्वेश्चन ईजी वे में समझ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 11 का समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, यदि एफ रियल टू रियल और आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, देन एफ इनवर्स 9 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक तो यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया था, ये एफ इनवर्स जी हो गया था, उसको सही कर ले। एफ इनवर्स 9 की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। आपको मैं नॉलेज के लिए बता देता हूँ, यदि ये फंक्शन है तो ये फंक्शन में यहाँ पर जो आपको डोमेन और कोडोमेन दे रखा है ये सही नहीं है। यदि इस क्वेश्चन को मैं एफ इनवर्स 9 यदि मैं इसका फाइंड करना चाहूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इस जो इंटरवल हमको दे रखा है इसका जो डोमेन है प्रांत है रियल और कोडोमेन जो है वो भी रियल दे रखा है, इस पर ये फंक्शन एकाई की ओर आच्छादक नहीं है। और इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि ये कैसे होगा। इस फंक्शन को यदि मैं ड्रा करता हूँ तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसे आएगा। ये सपोज करो ये 0.2 है, ये 4 है, ये 6 है, इसी तरह से ये 2 है, ये 4, ये 6, ये 8, इसी तरह से ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, इस तरह से यहाँ पर एक पॉइंट है 9 और ये पॉइंट है 3 और 3 और इसके बीच का जो पॉइंट आ जाएगा ये लगभग आ जाएगा 3 या 2.5। तो ये पॉइंट लगभग पैरा, ये जो फंक्शन है ये पैराबोला होता है, पैराबोला टाइप है। जैसे मान लो ये 3 आ जाएगा, ये लगभग 2.4 -2.4 लगभग इधर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है 2.76, ये जो वैल्यू है 2.76 ये लगभग इधर आ जाएगा, इस तरह से जो है, और ये 9, इस तरह से जो है ये पैराबोला जो है इसका ग्राफ आएगा इस तरह से। ये फंक्शन इस टाइप का आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और सही बना देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। इस फंक्शन का ये ग्राफ ऐसे आता है, यदि आप मेरी बात को समझ सकते हो तो। ये 9 पर जो है, मान लो सपोज करो कि मैं वाई की वैल्यू यहाँ पर एक्स की वैल्यू में 0 रखता हूँ, देन यहाँ पर दोनों 0 हो जाएंगे और एफ एक्स एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 आ जाएगी। तो ये इस तरह से जो है, ये जो है ग्राफ इसका आएगा, इस फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आएगा, ठीक है। लगभग ये यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा इधर है ना, इस तरह से ग्राफ आएगा। हम देखते हैं कि जब भी एक्स एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई। आपको बता देता हूँ कि जब भी एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन जब मैं खींचता हूँ तो यदि वो लाइन किसी भी कर्व को 2 पॉइंट पर, एक से ज़्यादा 2 या 3 पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करती है या प्रतिच्छेद करती है तो वह जो फंक्शन होता है वो बहु एकाई के फंक्शन होता है। इसका मतलब यदि आर टू आर की मैं बात करता हूँ तो ये जो फंक्शन है ये बहु एकाई की मैनी वन जो है फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम देख रहे हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है लगभग 2.76 आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है 2.76 या 2.75 के जो है इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू 0 लेता हूँ तो उस कंडीशन में ये जो है काल्पनिक आता है। इसका मतलब यदि मैं इसके रेंज की बात करता हूँ, ये कोडोमेन की बात करता हूँ, यदि इसका कोडोमेन मैं r लेता हूँ तो ये बहुत सारी वैल्यूज ऐसी है जो इसको सेटिस्फाइड नहीं करती। इसका मतलब कोडोमेन r के लिए ये फंक्शन जो है ये अच्छा तक भी नहीं है। तो इस इंटरवल में ये जो अपन को गिवन है, इस इंटरवल में ये फंक्शन ना तो मैन वन वन है, ना ही ऑन टू फंक्शन है, ना तो एकाई है ना ही अच्छा तक है। ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में बहु एकाई और अंतरछेपी फंक्शन है। तो इस कंडीशन में हम इसका एफ इनवर्स 9 ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन को इसको सही करके देना था तो इसका जो है डोमेन और कोडोमेन दोनों को इसको क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, ठीक है।
मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि इसको ये चेंज करके देता है तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। हम किस तरह से एफ इनवर्स 9 को निकालते हैं वो देखें। हम मान लेते हैं, माना एफ इनवर्स 9 को मैं मान लेता हूँ एक्स। क्या मान लेता हूँ? एक्स। देन 9 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा एफ एक्स, और एफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 9 इज इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। देन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 9 जो है इस तरह से आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 माइनस 9 0। इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस 5 बराबर 0। देन एक बार तो x बराबर 0, एक बार x प्लस 5 बराबर 0, दो वैल्यूज़ का मल्टीप्लाई जो है वो 0 आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू भी 0 के इक्वल हो सकती है, सेकंड वैल्यू भी। तो एक तो x बराबर 0 पर आ जाएगा, एक x बराबर माइनस 5 पर आ जाएगा। तो या तो x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 आएगी, या x बराबर माइनस 5 पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। और यही देखो आप, x बराबर 0 पर और x बराबर ये जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप समझे, ग्राफ से भी समझ सकते हैं। x बराबर 0 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 9 आ रही है। और ये जो है माइनस 5 पर, मतलब माइनस 4 और 5 के लगभग ये बिल्कुल इसके बीच में आएगा ये माइनस 5। ये माइनस की वैल्यू है इधर, ये माइनस की वैल्यू जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है एक्स जो है वो माइनस हो जाएगा। तो इस पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। मान लो सपोज दैट ये इससे केवल इस साइड का ही हमको क्या दे, जो है एक्स की वैल्यू दे, जो है हमको डोमेन इस साइड की वैल्यू का दे और वाई की वैल्यू भी पर दे, तो हम इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो फंक्शन है ये 1-1 ऑन टू फंक्शन है, एक एक क्या चाहता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो है आंसर हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को निकालोगे तो ये आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। आपको 1-1 और ऑन टू प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा एफ इनवर्स 9 की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो जो भी स्टूडेंट्स करना चाहें तो वो इसका इतना पार्ट कर सकते हैं। बाकी मैंने फंक्शन के बारे में आपको डिटेल में बता दिया है कि क्यों ये फंक्शन मैन्यू वन फंक्शन है, क्यों ये फंक्शन जो है इन टू फंक्शन है, मतलब क्यों ये फंक्शन बहुएकी है, क्यों ये अंतरछेपी है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको डीपली समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के अथवा जो क्वेश्चन दे रखा है और में उसको और समझते हैं। ये कह रहा है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संक्रिया स्टार निम्न अनुसार परिभाषित है। ए स्टार बी आपको गिवन है ए प्लस बी माइनस ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू R, और आपको गिवन है ए नॉट इक्वल टू 1, और आपको इसमें एक तो तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव के बारे में बताना है। तत्समक अवयव, माना तत्समक अवयव ई है, माना तत्समक अवयव ई है, ठीक है ना। माना तत्समक अवयव ई है, तो इसका मतलब ए स्टार ई और ई स्टार ए ही प्राप्त होगा। तत्समक अवयव की परिभाषा से आप समझ सकते हो कि तत्समक अवयव के साथ हम किसी भी अवयव को लगाते हैं तो संक्रिया का रिजल्ट वो ही अवयव आना चाहिए। आप एक बात और समझ ले, देखो इसके क्रम विनिमयता के बारे में हमने जांच नहीं की है। हालांकि ये जो संक्रिया है ये क्रम विनिमय है, तो जब हमको क्रम विनिमयता के बारे में नहीं पता तो हम ए संक्रिया ई इसके वाम पक्ष में और इसके दक्षिण पक्ष में दोनों में ही हम जो है तत्समक अवयव लगाएंगे, दोनों को, मतलब इसके राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में दोनों साइड में हमने तत्समक अवयव लगाया, उस दोनों का रिजल्ट जो है वो हमारे पास कितना आना चाहिए? ए आना चाहिए, ठीक है। चलो संक्रिया को फॉलो करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड के बीच में जब हम संक्रिया लगाते तो कहता है पहले तो इनको प्लस कर दो, फिर इनका मल्टीप्लाई इसमें से क्या कर दो? माइनस कर दो। तो इसका मतलब पहले तो मैं ए प्लस ई को प्लस कर देता हूँ, फिर इनका मल्टीप्लाई इसी तरह से ई प्लस ए को प्लस कर देता हूँ, फिर इनका मल्टीप्लाई ए के इक्वल होगा। हम देख रहे हैं कि ए प्लस ई प्लस ए दोनों सेम होंगे, ए ई और ई ए भी दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, ये दोनों सेम है। देन ए प्लस ई माइनस ए ई से भी ए आना चाहिए, e प्लस ए माइनस ई ए से भी a आना चाहिए। इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो a इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, a माइनस ए जीरो हो जाएगा। इसमें से e कॉमन आ जाएगा 1 माइनस ए,
बराबर जीरो, और इसी तरह से ई का मान आपके सामने कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है। और इससे भी देखो ए माइनस ए ई, या हम ले सकते हैं ई माइनस ई ए बराबर ए माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा। ई कॉमन वन माइनस ए, ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ई का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो दक्षिण पक्ष और वाम पक्ष दोनों में लगाने से जो ई का मान क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और हम एक बात और देख रहे हैं, ये जो जीरो है ये वास्तविक है, इसका मतलब ये जो है जीरो बिलोंग्स टू आर, जीरो बिलोंग्स टू आर। अतः संक्रिया का तत्समक अवयव, अतः संक्रिया का तत्समक अवयव आपके सामने आ जाएगा जीरो। यहां पर अपने पास जगह, यहां पर लिख देते हैं अतः संक्रिया का तत्समक अवयव, संक्रिया का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव आपके सामने आ जाता है जीरो। तो इस तरह से हम इसका तत्समक अवयव निकालेंगे। अब प्रतिलोम अवयव की बारी है, तो प्रतिलोम अवयव और निकालते हैं। प्रतिलोम अवयव, माना अवयव ए का, माना कोई अवयव ए है, माना अवयव ए का प्रतिलोम अवयव, ए का प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव बी है, ठीक है। हमने किसी एक अवयव का प्रतिलोम अवयव बी ले लिया, ठीक है। और प्रतिलोम अवयव की डेफिनेशन भी आप जानते हो कि ए के साथ मैं इसके प्रतिलोम अवयव को लगाता हूँ, या प्रतिलोम अवयव के साथ ए को लगाता हूँ तो हमें तत्समक अवयव ई प्राप्त होगा। ये इसको लिखने का सही तरीका है। अब दोनों में संक्रिया लगा दो, संक्रिया का फॉलो कर दे, एक बार दोनों को प्लस कर दें, फिर क्या कर दें, दोनों का मल्टीप्लाई इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ए प्लस बी माइनस ए बी, या बी प्लस ए माइनस बी ए, ई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जीरो, ये आएगी जीरो। यहाँ पर ई हम निकाल चुके हैं जीरो। तत्समक अवयव निकालने के बाद ही हम प्रतिलोम अवयव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, पहले ए प्लस बी माइनस ए बी को जीरो ले लेते हैं, फिर बी प्लस ए माइनस बी ए को भी जीरो ले लेते हैं। इस तरह से मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, देन बी माइनस ए बी, ये ए इधर जाके क्या जाएगा, माइनस का जाएगा, बी इसमें से कॉमन आ जाएगा, वन माइनस ए इजल टू माइनस ए, देन बी इजल टू आ जाएगा माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, और इसको मैं लिख सकता हूँ a अपॉन ए माइनस वन। और यहाँ पर a की वैल्यू नॉट इक्वल टू वन, क्योंकि a की वैल्यू यदि वन हो जाएगी तो उस कंडीशन में हमारे पास b की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, जो रियल नहीं है। और यहाँ पर हमको एक कंडीशन दे भी रखी है कि a नॉट इक्वल टू वन, इसका मतलब बिल्कुल सही है कि किसी अवयव a का प्रतिलोम अवयव a अपॉन a माइनस वन हो सकता है, लेकिन इसको मुझे सेकेंड कंडीशन के लिए भी निकालना चाहिए, b माइनस बी ए बराबर माइनस का a, b कॉमन वन माइनस ए बराबर माइनस का a, b बराबर माइनस का a अपॉन वन माइनस ए, या a अपॉन a माइनस वन, यहाँ पर भी a नॉट इक्वल टू वन। तो मैंने देखा दोनों ही कंडीशन से b की वैल्यू सेम आ रही है, यदि b की वैल्यू अलग अलग आती तो मैं ये कह सकता था प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व नहीं है, a अपॉन a माइनस वन, ए अपॉन ए माइनस वन। तो इससे प्रूव होता है कि प्रतिलोम अवयव का भी अस्तित्व है, प्रतिलोम अवयव भी फाइंड किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अतः अवयव ए का प्रतिलोम अवयव ए अपॉन ए माइनस वन है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली समझ सकते हैं, कर सकते हैं, जहाँ ये एक इंडिकेट और कर दें आप, जहाँ a नॉट इक्वल टू वन, यही ऐसा ही हमें क्वेश्चन में रखा है। इसलिए इस संक्रिया का तत्समक अवयव भी विद्यमान है, e का मान जीरो है, तत्समक अवयव का मान जीरो है, और a का प्रतिलोम अवयव a अपॉन a माइनस वन होगा, ठीक है। और देखो a रियल है तो a अपॉन a माइनस वन भी क्या होगा, रियल होगा। आप ये बात भी इसमें लिख सकते हो कि a अपॉन a माइनस वन बिलोंग्स टू रियल, इसी जो सेट में है, इसलिए इसका प्रतिलोम अवयव भी क्या है, विद्यमान है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट थी, क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर प्लस दे रखा था, इससे आंसर मैच नहीं करेगा, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तो सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड टू टेन इनवर्स वन बाई टू
माइनस टेन इनवर्स 1/7। तो सबसे पहले 2 टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x². ये हमारा फॉर्मूला 2 टेन इनवर्स एक्स का होता है टेन इनवर्स के रूप में। तो हम क्या करते हैं, पहले इसके फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू आई, माइनस टेन इनवर्स 1/7 को एज इट इज रखते हैं, इसको मैं सोल्व कर देता हूँ, ये आ जाता है टेन इनवर्स 1, ये 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1/4 माइनस टेन इनवर्स 1/7, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो टेन इनवर्स 1/4 ये 4 एलसीएम 4 - 1 माइनस टेन इनवर्स 1/7। इसी तरह से ये आ जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा 4/3 माइनस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ पर हमारे सामने टेन इनवर्स के रूप में एक और फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला क्या है, आओ इसको समझते हैं। देखो ये एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 + xy, ये फॉर्मूला और है आपके सामने टेन इनवर्स का। इस फॉर्मूले को हम और फॉलो करते हैं तो ये हमारे सामने आ जाएगा टेन इनवर्स 4/3 माइनस 1/7 1 + 4/3 1/7। तो यह जाएगा टेन इनवर्स, यह जाएगा 21 3 7 जाए तो 7 * 4 = 28 माइनस 7 * 21 अपोन इधर 21 देन 21 + 4। देखो आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, 21 एलसीएम आ जाएगा इसका, 21 से 21 कैंसिल, देन ये आपके सामने आ जाएगा टेन इनवर्स 25, 28 में से 3 माइनस करेंगे 25 अपोन 25 और ये जाके हो जाएगा टेन इनवर्स 1 और टेन इनवर्स 1 को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं π/4 और यही हमारे क्या है RHS, यही हमें क्या करना था सोल्व करना था। तो इस तरह से हम इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब इसका जो अथवा में क्वेश्चन दे रखा है उसको समझते हैं, वो भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 इसके अथवा का पार्ट दे रखा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बिना प्रैक्टिस के स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स 2x दे रखा है। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स 1 - y² प्लस वाई 1 - x², ये फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का होता है आपके सामने, ठीक है। और एक फॉर्मूला इसके कंपैरिजन में हम और समझते हैं, एक होता है कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का, तो ये होता है कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 - x² और 1 - y². अब दोनों फॉर्मूले में कंपैरिजन अच्छे से समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि x के साथ √1 - y² है, y के साथ √1 - x² दो अलग अलग पार्ट में स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसमें क्या है कि एक पार्ट में तो कंप्लीट वैल्यू है और एक पार्ट में क्या है स्क्वायर रूट एक साथ दे रखा है वर्गमूल, ठीक है ना। जब ऐसे क्वेश्चन को RHS में कोई वैल्यू दे रखी है तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि स्क्वायर रूट एक ही साथ है, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे ना तो एक साथ इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में हमको इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो जब हम इसको साइन इनवर्स में ही रखेंगे तो ये इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा टफ होगी, इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कोस इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, इससे हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। ये दो फॉर्मूले के बारे में मैंने बता दिया। एक फॉर्मूला जो मैं इसमें यूज में लूँगा वो क्या है, देखो आप साइन इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूँ π/2 - cos inverse x। ये फॉर्मूला यूज में लेके मैं आसानी से साइन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट कर लेता हूँ कोस इनवर्स एक्स में, ताकि मैं सोल्व करूँ तो मेरा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो ये मैंने क्यों किया है इसके बारे में तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब मैं क्वेश्चन को करके और दिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखूँगा, इसको मैं लिखता हूँ पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स एक्स, प्लस इसको भी लिखता हूँ पाई बाई टू माइनस कोस इनवर्स टू एक्स इक्वल में क्या है पाई बाई थ्री। अब देखो ये दोनों मिलकर पाई बन जाएगा, तो पाई माइनस ये पाई बाई थ्री लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा और ये दोनों राइट हैंड साइड में चले जाएंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो ये कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स टू एक्स, देखो यहाँ पर ये जो पाई बाई टू है, ये पाई बाई टू और ये पाई बाई टू मिलकर हमारे सामने बन जाता है पाई, ठीक है पाई हो गया, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसको जो मैं सोल्व करता हूँ तो ये थ्री तो आ जाएगा एलसीएम, थ्री पाई माइनस पाई इजल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स टू एक्स। तो इस तरह से हमारे सामने जो वैल्यू आ जाती है ये आ जाती है टू पाई बाई थ्री, टू पाई बाई थ्री इजल टू कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स टू एक्स, ओके। या इसको मैं पाई माइनस पाई बाई थ्री भी रख सकता हूँ, पाई माइनस पाई बाई थ्री भी मैं इसको रख सकता हूँ। तो इस तरह से मेरे पास कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स टू एक्स की वैल्यू टू पाई बाई थ्री आ गई। ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये मैंने सेकंड इक्वेशन इसकी बना ली। अब इसमें मैं कोस इनवर्स का ये फॉर्मूला लगाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है ये लगाते हैं, चलो ठीक है लगाए थे कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई फर्स्ट इंटू सेकेंड माइनस, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर, वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा टू पाई बाई थ्री के। इसको जब मैं आगे सोल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो आ जाती है कोस इनवर्स, देखो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर इजल टू टू पाई बाई थ्री। ये कोस इनवर्स इधर जाएगा, देखो क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस टू पाई बाई थ्री। और कोस टू पाई बाई थ्री को मैं कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री लिख सकता हूँ या डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास टू एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री। और कोस पाई माइनस पाई बाई थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर हम समझते हैं कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होगा, ये तो आप जानते ही हो, ये फॉर्मूला लगाकर मैं इजीली इसकी वैल्यू निकालता हूँ। ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कोस पाई बाई थ्री। और कोस पाई बाई थ्री की जो वैल्यू होती है वो होती है वन बाई टू, तो आर एच एस में जो वैल्यू आ जाएगी टू एक्स स्क्वायर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू। अब देखो हमारे सामने एक जो है स्क्वायर रूट आ गया, इसको राइट हैंड साइड में ले जाके जब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और क्वेश्चन जो है साइन के अकॉर्डिंग इजी हो जाएगा। तो ये माइनस की वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू इधर जाके क्या हो जाएगी, इसका जो माइनस का साइन है वो हट जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। और मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों जो पक्ष हैं उसका क्या कर देता हूँ स्क्वायर कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन को लेके चलता हूँ, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करता हूँ, जब मैं इसका दोनों साइड में स्क्वायर करता हूँ तो ये आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर हट जाएगा, ये आ जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर और वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। इस तरह से जो है राइट हैंड साइड का हमारे सामने क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगाए थे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ये वन
माइनस का 4x² माइनस का x² और ये आ जाएगा प्लस का 4x4। जब हम दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्या वैल्यू हमारे सामने आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x4 प्लस 1/4 प्लस 2x² इज इक्वल टू 1 माइनस 5x² प्लस 4x4। तो यहाँ पर 4x4 से 4x4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमारे सामने जो वैल्यू आती है उसको देखो हम करते हैं। ये माइनस का 5 इधर आ गया, 2x² प्लस 5x² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यह आ जाएगा 7x² इज इक्वल टू 4 LCM देन 4 माइनस 1, तो 7x² इज इक्वल टू आ जाएगा 3/4। ये हमारे पास 7x² की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/4 आ जाती है। तो x² की जो वैल्यू आती है वो आती है 3/4 × 7। एक्स की यहाँ पर इस इक्वेशन को जब मैं सोल्व करता हूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे सामने दो वैल्यू आती है। देखिए आप, एक्स की मेरे सामने दो वैल्यू आती है। यहाँ पर हमारे पास जगह है तो यहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि एक्स की वैल्यू हमारे सामने क्या आती है। देखो, जब मैं एक्स का स्क्वायर रूट हटाता हूँ तो मेरे पास आती है प्लस माइनस 3/4 × 7 का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये समझ गए होगा। तो एक्स की वैल्यू आती है प्लस माइनस 3/2 √3/2 √7। यहाँ पर हमको एक्स की नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, एक तो ये वैल्यू आती है, एक एक्स की पॉजिटिव वैल्यू आती है। ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इसको सेटिस्फाइड नहीं करती, क्योंकि सपोज ग्रो एक्स की मैं नेगेटिव वैल्यू रखता हूँ तो फर्स्ट वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, सेकंड वैल्यू भी नेगेटिव आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू है जबकि राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो इसको सेटिस्फाइड नहीं करती। इसलिए हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू √3/2 √7। ये इसका क्या है, राइट आंसर है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू इसको क्या करिए, सेटिस्फाइड करिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ये है। मैंने क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप आपको समझा दिया है क्यों हमने साइन इनवर्स का फॉर्मूला चेंज किया है कोस इनवर्स में, ये भी मैंने आपको इंडिकेट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन 13, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने है, इसको समझते हैं। आपको 3 अवयव दे रखा है, इनका जो मल्टीप्लाई है, इनका जो रिजल्ट है वो शून्य अवयव है, ये शून्य अवयव है, शून्य नहीं है, तो ए का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो समझते हैं। सबसे पहले A4 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ये इसका जो ऑर्डर है वो है 1 × 3, 1 रो है, 3 कॉलम है और इसका है 3 × 3। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 3 आ जाएगा। देखो, फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2A + 4 + 0। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे 2A 4 × 1 = 4 + 1 × 0 = 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं सेकंड से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये आ जाएगा A 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा 0 प्लस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है ना, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इससे और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 2A 2A + 4 = 8 और 1 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो रिजल्ट आया हमारा आया, देखो 3 और 3 ये दोनों तो हैं सेम, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई हो सकता है और रिजल्ट में 1 × 3 आएगा। तो इसका जो ऑर्डर आया 1 × 3 आया और ये जो है मैट्रिक्स हमारे पास बच गई 1 × 4 = 1 और ये इक्वल है A 4 = 1, ये आ जाएगा शून्य अवयव आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स। ये जो आपके सामने आया ये आया 2A + 4, ये आया A + 2 और ये आया 2A + 4, क्योंकि प्लस का 8 है माइनस का 4 है। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं A 4 = 1 से, इसका जो ऑर्डर हमारे सामने है ये 3 × 1 है। तो आप देख रहे हो कि 3 और 3 तो है सेम, तो इसका 1 × 1 मतलब ओनली 1 एलिमेंट जो है इसका जो है आपके सामने आएगा।
जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो 2a प्लस 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँगा, a से प्लस a प्लस 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं, 4 से प्लस 2a 4 को मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, ये बिल्कुल एक आ जाएगा और ये इक्वल है शून्य आवयव के, ठीक है ना। तो ये हमारा जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 2a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4a प्लस 8 प्लस 2a प्लस 4 इज़ इक्वल टू जीरो। अब मैं जीरो ले सकता हूँ बिकॉज ये भी एक मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट कितना है, शून्य है, तो एलिमेंट और एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, ये 8 और 2 10a प्लस 12 बराबर जीरो, इसमें से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, देन a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर जीरो, ठीक है। और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 6 बराबर जीरो, इसके फैक्टर बनाते हैं तो 3 और 2 बनेंगे क्योंकि 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3a प्लस 2a प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो, इसमें से a कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 3 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा a प्लस 3 बराबर जीरो, दोनों में से a प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो a प्लस 2 बराबर जीरो, एक बार तो a प्लस 3 बराबर जीरो, एक बार a प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस 3, एक रिजल्ट आ जाएगा माइनस 2, और यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी का अथवा जो है वो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसके अथवा क्वेश्चन ए की वैल्यू आपको देखिए 2/2 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स दे रखी है, एफ ए आपको गिवन है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर होता है a इंटू ए, यह आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2 और इधर आ जाएगा 3 1 माइनस 1 2, जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मेरे सामने वैल्यू हो जाते हैं 3 3 9 माइनस 1 और ये 3 प्लस 2, 3 बन जा 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 2 और ये माइनस 1 प्लस 4, माइनस 1 प्लस 4 तो यह जगह 8 5 माइनस 5 और 3, ये आपके सामने ए स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है। अब एफ ए की जो वैल्यू है वो है आपके सामने ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, ये आ जाएगा 8 5 माइनस 5 और 3 माइनस 5, ए की वैल्यू रख देते हैं 3 1 माइनस 1 2 प्लस 7, आई की वैल्यू रख देते हैं 1001, ठीक है। अब सोल्व कर देते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपके सामने हो गया है, ये आ जाएगा आपके सामने एज इट इज 8 5 माइनस 5 और 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 15 5 माइनस 5 और 10, 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 7007, और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाता है 8 माइनस 15 प्लस 7, 5 माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5 प्लस 5 प्लस 0, आप जानते हैं देखो ये और ये, इसमें प्लस या माइनस हो जाएगा, फिर सेकंड वैल्यू 5 माइनस 5 प्लस 0, इस तरह से हमने सभी वैल्यू को कर दिया 3 माइनस 10 प्लस 7, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 8 7 15 माइनस 15 0 0 0 और 0, और इसको हम लिख सकते हैं शून्य आवयव, इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा शून्य आवयव। शून्य आवयव को आप डार्क ओ के द्वारा इस तरह से डार्क जीरो के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आपके शून्य आवयव आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको एफ एक्स गिवन है एक्स माइनस 1 व्हेन एक्स लेस देन 0 और 2x माइनस 3 है व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन एफ डैश 2 माइनस 0 जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है।
एक तो इस साइन में मिसप्रिंट था, ये सही कर लीजिए आप, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा यदि आपका क्वेश्चन पेपर में सही साइन नहीं है। यहाँ पर जो है मिसप्रिंट था। एफ डैश टू माइनस जीरो का मतलब है आपको इसका बायां अवकलज ज्ञात करना है। इट मीन्स है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बायां अवकलज। और आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, एफ डैश टू माइनस जीरो का सीधा सीधा मतलब है सबसे पहले तो एफ टू निकाल लें आप। एफ टू की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो टू की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन लूंगा, टू इंटू टू माइनस थ्री, एक्स की जगह मैंने टू रख दिया, देन फोर माइनस थ्री, हमारे सामने एफ टू की वैल्यू आ जाएगी वन। एफ डैश टू माइनस जीरो का सीधा सीधा मतलब है बायां अवकलज, ठीक है। देन लिमिट एच टैश टू जीरो, एफ डैश टू माइनस एच, ये बायां अवकलज है, लिमिट एच टैश टू जीरो, एफ टू माइनस जीरो माइनस एफ टू, ये टू माइनस एच माइनस एफ टू अपॉन एच, ये जो है इसका क्या होगा, फॉर्मूला होगा बाएं अवकलज का। और ये सीधा सीधा फॉर्मूला हम रख देते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, टू माइनस एच का मतलब सीधा सीधा टू से कम, तो ये इक्वेशन काम आएगी टू माइनस एच, एफ टू माइनस एच के लिए हमारे पास ये इक्वेशन काम आएगी बिकॉज एफ लेस देन टू दे रखा है। तो यहाँ पर मैं फॉलो करूँगा एक्स की जगह टू माइनस एच मैं रख देता हूँ, टू माइनस एच, फिर है माइनस वन, और एफ टू की वैल्यू जो है हमारे सामने है वन अपोन है, बाएं अवकलज के लिए माइनस एच आएगा, बाएं अवकलज के लिए नीचे क्या आएगा माइनस एच, तो ये आ जाएगा माइनस एच, ठीक है। ये आप देख लें, यहाँ पर हमने माइनस लगाने से रह गए थे, अब माइनस लगा दें आप बाएं अवकलज के लिए, दाएं अवकलज के लिए प्लस एच आएगा, ओके। अब ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये आ जाएगा टू माइनस टू, देखो ये टू से ये वन और वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एच अपॉन माइनस एच, और माइनस एच से माइनस एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसके बाएं अवकलज का मान आ जाएगा वन। देन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एफ डैश टू माइनस जीरो की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी वन, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा, और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक वर्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम एक वर्त बनाते हैं, हमने एक ये वर्त बनाया है, ठीक है, ये वर्त बना दिया, और हम इसमें एक आयत बनाते हैं, एक आयत हम बना लेते हैं, इसमें हम ये आयत बना लेते हैं, ये इसका जो है सेंटर है, केंद्र है, आयत हम ले लेते हैं ए बी सी और डी, और हम मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई है वो तो है एक्स और इसकी चौड़ाई है वो है वाई। अब हमें निकालना है कि ये जो आयत है ये बड़े से बड़ा होगा तो ये आयत वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अधिकतम जब होगा तो ये क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्षेत्रफल, यहाँ पर फोकस क्या करना है, क्षेत्रफल अधिकतम, यहाँ पर जो इसने बताया क्षेत्रफल अधिकतम, ठीक है ना, ये क्षेत्रफल अधिकतम। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। अब आप एक बात समझिए, ध्यान से समझना इस बात को कि इसके क्षेत्रफल, ये आयत किस में है, एक वर्त में है, ठीक है। इसके प्रत्येक भुजा को मुझे वर्त की रेडियस से जोड़ना पड़ेगा ताकि मैं ये समझा सकूं कि ये आयत किस में है, एक वर्त के अंदर है या एक वर्त से रिलेशन रखता है। तो हम क्या करते हैं, इसके सेंटर से जब आयत होगा तो डेफिनेट इसका जो विकर्ण है वो इस वर्त का क्या होगा, व्यास होगा। इसमें एक थ्योरम है, क्योंकि इस ये जो है 90 डिग्री एंगल होता है आयत में, और 90 डिग्री एंगल हमेशा जो है उसके अर्धवर्त पर बनने वाला कोण होता है, इसलिए इसका विकर्ण हमेशा इसकी रेडियस से गुजरेगा। ये इसकी रेडियस r है, ये इसकी रेडियस r है, तो हम समझ जाएंगे कि AC का जो मान है, इसका जो विकर्ण है वो 2r होगा। हम ये मान लेते हैं, लेट ये थीटा है, माना कोण CAB हम थीटा ले लेते हैं, हमने ये भी मान लिया है कि ए बी जो है वो है एक्स लेंथ
और बी सी जो है वो है वाई। ओके, मैं इसको इजी में बता रहा हूँ, इसका तरीका और भी है, ये थोड़ा इजी लग रहा है मुझे, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा छोटा भी रहेगा, इसको आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, ट्रायंगल सी ए बी में सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे करण, देन ये आ जाएगा वाई अपॉन जो करण ए सी है, इसका मान आ जाएगा 2R। ओके, देन वाई की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 2R साइन थीटा। आप जानते हो साइन थीटा लंब बटे करण होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, देन वाई अपॉन 2R जो है इसकी लंब, यदि ये एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस जो करण हो जाएगा 2R। ठीक है, इसी तरह से कोस थीटा जो होता है वो होता है आधार, आधार ए बी, यदि ये एंगल है तो ये आधार हो जाएगा जो बेस हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस, देन एक्स अपॉन 2R हो जाएगा। तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू हमारे सामने आ जाती है 2R कोस थीटा। तो हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, वो भी रेडियस को इंक्लूड करते हुए। ठीक है, अब एरिया जो है, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ये हो जाएगा आपके सामने जो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है उसको हम किसी भी एक वैल्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इस क्षेत्रफल को एस के द्वारा रिप्रेजेंट करता हूँ। एरिया जो होता है, क्षेत्रफल होता है, ए के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट ए हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया है, इसलिए मैं इसको एस के द्वारा या किसी के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एस बराबर आ जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, देन एस की वैल्यू जो आ जाएगी आपके सामने आ जाएगी एक्स इंटू वाई, लंबाई एक्स है और चौड़ाई क्या है, वाई है। एक्स और वाई की वैल्यू रख देता हूँ, देन ये आ जाएगा आपके पास 2R साइन थीटा इंटू 2R कोस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक 2 ले लेता हूँ, R को R से मल्टीप्लाई कर रहा था 2R स्क्वायर, और एक 2 को साइन थीटा और कोस थीटा के साथ ले लेता हूँ 2 साइन थीटा कोस थीटा। आप देखो, आप ये 2 ले लिया मैंने, R को R से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 2 है इस साइन थीटा कोस थीटा के मैंने साथ रख दिया, तो क्षेत्रफल जो मेरा आया 2R स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है। ये मेरे पास इसकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, और इस इक्वेशन से मैं मेरे क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने इस आयत का क्षेत्रफल ले लिया है, एस इजल टू 2R स्क्वायर साइन 2 थीटा। इस क्षेत्रफल में एक तो ये है कि R इंक्लूड है, ताकि इसका रिलेशन मैं डायरेक्ट जो है सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकूं। तो आपको मैं समझा सकता हूँ, इसका मैं डिफरेंशियल करूँगा किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब आप हो गए सर, थीटा के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशियल क्यों किया है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक जो है चित्र बना के बताता हूँ। देखो, ये हमारा जो है सर्कल है, कोई भी एक सर्कल हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसका एक सर्कल ले लेते हैं। ठीक है, ये सर्कल हमने ले लिया, इसके अंदर बहुत सारे आयत बन सकते हैं, बहुत सारे आयत, ये अलग अलग आयत हैं। ठीक है, अलग अलग आयत का जब मैं एंगल निकालता हूँ, सभी का एंगल जो है वो चेंज है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ गए, लेकिन सर्कल सेम है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल है ये सेम है, इसका रेडियस जो है वो तो कांस्टेंट है, इसके रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशियल हो नहीं सकता, हमें कोई ऐसे वैल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना पड़ेगा जो सीधा सीधा आयत से जुड़ा हुआ। तो आयत से जुड़ा हुआ सीधा सीधा क्या है, थीटा है। यदि मैं आयत को चेंज करूँगा तो अंदर का थीटा जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए जो चेंजेबल है या वेरिएबल है वो थीटा है, इसलिए मुझे इसका डिफरेंशियल थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। देन डी एस बाई डी थीटा जब मैं करता हूं तो हमारे सामने आ जाता है 2R स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, साइन 2 थीटा का आ जाएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का आ जाएगा 2, देन डी एस बाई डी थीटा मेरे सामने आता है वो आ जाएगा 4R स्क्वायर कोस 2 थीटा। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाती है, माना डी एस बाई डी थीटा बराबर 0, देन 4R स्क्वायर कोस 2 थीटा को जब मैं 0 के बराबर लेता हूँ तो कोस 2 थीटा की वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। आप जानते हो कोस 2 थीटा की वैल्यू 0 कब होती है कोस के रूप में, जब ये 90 डिग्री हो, देन 2 थीटा बराबर 90 डिग्री आ जाएगा, देन थीटा की वैल्यू आपके सामने आ जाती है 45 डिग्री। इसका मतलब थीटा बराबर 45 डिग्री जब मैं लेता हूँ तो उस कंडीशन में डी एस बाई डी थीटा की वैल्यू हमारे सामने क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी।
अगेन आप जानते हो उच्च और न्यून के सवाल को करने के लिए पहले डिफरेंशियल करके जीरो के इक्वल लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है, चरम बिंदु आ जाते हैं या कांतिक बिंदु आ जाते हैं। इसको मैं दोबारा इसका अवकलन करता हूँ थीटा के रिस्पेक्ट में, तो देखो आप ये 4r² एज इट इज कोस 2 थीटा का हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा और 2 थीटा का अगेन 2 आ जाएगा, देन माइनस का 8r² साइन 2 थीटा, ये इसका सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा थीटा के रिस्पेक्ट में। और जब 2 थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ 90 डिग्री, देन माइनस 8r² साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, देन माइनस 8r², ये आ जाएगा आपके सामने नेगेटिव। 2 थीटा बराबर 90 डिग्री या थीटा बराबर 45 डिग्री पर हमारा सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्षेत्रफल अधिकतम है। क्षेत्रफल क्या है? अधिकतम है। थीटा बराबर 45 डिग्री पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा। तो थीटा बराबर 45 डिग्री पर, ये थीटा बराबर 45 डिग्री होगा तो ये जो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? अधिकतम आ जाएगा। अब ये देखते हैं कि थीटा बराबर 45 डिग्री पर ये जो आयत है ये है क्या। देखो y की वैल्यू आपके सामने कितनी आई, 2r sin थीटा, ये आपके सामने y की वैल्यू है 2r sin थीटा, ठीक है। अब इसमें मैं थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूँ, तो जब मैं इसमें थीटा बराबर 45 डिग्री रखता हूँ तो ये साइन 45 डिग्री आ जाएगा, ये 2r(1/√2) और इसमें मैं काटता हूँ तो ये √2r आ जाता है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू √2r हमारे सामने आ जाती है ये थीटा बराबर 45 डिग्री पर, ठीक है। ये बात आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं 45 डिग्री इसमें भी रखता हूँ, x की वैल्यू हमारे पास है 2r cos थीटा, तो x की वैल्यू जो हमारे सामने आ जाएगी 2r cos थीटा, इसमें मैं 45 डिग्री रखता हूँ तो 2r 45 की cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 आ जाएगी, तो x की वैल्यू भी अगेन √2r आ जाती है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आती है तो क्षेत्रफल अधिकतम आ गया, और थीटा बराबर 45 डिग्री पर x और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सेम। और x और y की वैल्यू यदि हमारे पास सेम आती है तो ये जो आयत है ये किस में बदल जाता है? वर्ग में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वर्ग में। तो यहाँ पर हमको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, अतः सिद्ध होता है ये बात हम यहाँ पर लास्ट में लिख के बता देते हैं क्योंकि वहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं अतः सिद्ध होता है कि वर्ग वर्त में सबसे बड़ा आयत एक वर्ग होता है। यह हम क्वेश्चन के एक वर्त के अंदर सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ये जो है हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो 5 क्वेश्चन है इसके अथवा के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं इसके आगे क्वेश्चन आप सभी को बताऊँगा। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करें, लगातार जिस भी स्टूडेंट्स को कोई भी कन्फ्यूजन है 12th से रिलेटेड वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा क्योंकि अभी एग्जाम पास में आने वाला है। और उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए होंगे। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना। सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट, लगातार मेहनत करते हैं, आपके एग्जाम पास हैं और जल्दी से जल्दी ज़्यादा स्कोर करें। मैं आप सभी के साथ हूँ। थैंक्स।